किए जा रहे हैं। मुनीत बाजवा हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। एक और अहम खबर है, साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा, शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद दी जाएगी। शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शौकत तरीन के खिलाफ लीक ऑडियो पर मुकदमा दर्ज है और अब इंटरपोल के जरिए उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। एहतशाम अली अब्बासी इस बारे में मजीद हमें बताएंगे। जी एहतशाम बताइएगा। शौकत तरीन पर गद्दारी के मुकदमे का मामला है, FIA ने मुकदमे में मजीद पेशरफ्त शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक मुकदमे के मरकजी मुलजम शौकत तरीन को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इश्तिहारी करार देने के बाद FIA गिरफ्तारी के लिए इकदाम करेगा। मुलजम शौकत तरीन की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से मदद ली जाएगी। शौकत तरीन की लीक ऑडियो पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। मैं आपको वाजह करते चलूँ, FIA ने शौकत तरीन के खिलाफ एक FIR दी थी जिसमें उन्होंने मौका अख्तियार किया था कि शौकत तरीन ने वजीर खजाना KPK और पंजाब उनसे बात करके IMF पे प्रोग्राम को खराब करने की कोशिश की। जी ठीक है एहतशाम, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एहतशाम अली अब्बासी हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे कि साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन पर गद्दारी का मुकदमा है और उनकी गिरफ्तारी की तैयारियां की जा रही हैं, इंटरपोल से इस सिलसिले में मदद ली जाएगी। और एक बार फिर